गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकल पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जो सभी UGC NET JRF SRF एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही खुशी भरी खबर है। और जो लोग ऑलरेडी NET JRF क्वालिफाई कर चुके हैं, SRF क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, UGC इंडिया ने ट्वीट करके कहा है या एक्स हैंडल्स पे अपने पोस्ट डाली है, जिसमें इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अब जो है वो रिसर्च के लिए, रिसर्च को और एक्सेलेंस बनाने के लिए और इनोवेशन के लिए जो रिसर्चर की जो स्कॉलरशिप है उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो ये 1 जनवरी 2023 से जो है अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब कितनी स्कॉलरशिप एक रिसर्चर को मिलेगी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। द मंथली जो स्कॉलरशिप जो मिलेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023, वो जूनियर रिसर्च जो फेलो है JRF, आपको पहले 31,000 मिलता था, अब आपको 37,000 मिलने वाला है। और सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो 35,000 मिलती थी, अब आपको 42,000 मिलने वाला है। और रिसर्च एसोसिएट वन जो 47,000 मिलता था, वो 58,000 मिलने वाला है। और रिसर्च एसोसिएट टू जो जिनको 49,000 मिलता था, उनको 61,000 मिलने वाला है। और जो रिसर्च एसोसिएट टू है, जिनको 54,000 मिलता था, उनको 67,000 अब स्कॉलरशिप मिलने वाली है। वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से या एक्स हैंडल से ये पोस्ट शेयर करी है, जिसमें कहा है कि इस स्कॉलरशिप इंक्रीज से जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है 725 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च पड़ने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप जो है इंक्रीज़ की है। इन्होंने भी इसमें डिटेल में बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो मंथली JRF जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें यही बताया है, जहाँ 31,000 मिलने वाला था जूनियर रिसर्च फेलोशिप में, वहाँ पे अब 37,000 मिलेगा। जिनको 35,000 मिलने वाला था, उनको 42,000 मिलेगा, 47 वाले को अब जो है वो 58। और रिसर्च एसोसिएट थ्री, जिनको 54,000 मिलने वाला था, उनको अब 67,000 मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए। तो जितने भी UGC NET JRF एस्पिरेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका JRF होता है और उसके बाद आप PhD में इनरोलमेंट करवाते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको 40,000 अराउंड HRA मिला के जो है ये स्कॉलरशिप, ये भी बता दूं मैं आपको, 5 साल के लिए मिलती है जब आप PhD में इनरोलमेंट करवाते हो। तो साथियों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।